श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अथ चतुर्दशो अध्यायः। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्यश्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बाद बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती है। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिल रहता है। पिता माता सब संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ दंभ और अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ठ सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्यश्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु जो है मुझे अपनी दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ के उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराता है। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवे दुहने नहीं देती, गौशाला में गौवे आंसू बहा बहा कर रो रही है, बैल भी उदास हो रहा है, देवताओं की मूर्तियां रो सी रही है, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू
आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सूर्योदयों को सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दर्शाह आरह सातवत अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो है ना। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं, उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। रुधिक अपने उनके पुत्र कृतवर्मा अक्रूर जयंत गत सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव भी सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृष्णिवंशी के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फूर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं ना। सुषेण चारुदेशन जाम्वती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है ना, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है ना। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्रायणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट परिजातादि वस्तुओं को भोग उपभोग करती है। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण बालक गौ बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबर वालों से हार तो नहीं मान गए? अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो, हो ना? हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुधय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। हरे कृष्ण।